दोस्तों चलिए आज मैं बनाने जा रहे हैं इडली अग्रवाल 420। इसके लिए मैंने इडली मिक्स, इसको लिए मैंने एक बर्तन में ऐड कर दी हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी थोड़ा सा। अब मैं इसमें डालूँगी 2 चम्मच के करीब तेल। अब इसको अच्छे से हम लोग मैश करेंगे और पानी का ज़रूरत है तो डाल दें आपको। इस प्रकार से इडली का गाढ़ा घोल रेडी कर लेना है और इसको ढक करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। देखिए पहले अच्छे से मैश कर लें, अच्छे से मैश हो गया है तो इसको मैं ढक करके लिए रख दूंगी। इधर मैंने इडली सांचा में पानी वानी गर्म कर 10 मिनट बाद देखिए मैंने इसको खोल लिया है कि इतने अच्छे से बैटर जो इडली मिक्स है अच्छे से फूल गया है। इडली मिक्स को बड़े से बर्तन में घोलना है, बहुत अधिक ऊपर उठता है फूलने के बाद। देखिए इधर मैंने सांचे में तेल को लगा ली है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी इडली के बैटर को, देखिए इस प्रकार से। और जब पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा तब मैं इसको ऐड कर दूँगी। इसी तरीके से मैंने सारे सांचे में इडली बैटर को डाल दी है और सभी को इसी प्रकार से रख देंगे और इसको मैं ऊपर से ढक दूंगी। देखिए मैंने इतना ही भरा है और कितना फूलेगा इडली। इसको मीडियम फ्लेम में 10 से 15 मिनट आप पका लें और थोड़ा देर गैस बंद करने के बाद ही खोलें। तो इस प्रकार से इडली अच्छे से फूला फूला बना है। देखिए मैं सभी इडली को इस प्रकार से निकाल लूँगी अच्छे से। सभी इडली अच्छे से फूला है, देखिए मैं पूरा को दिखा रही हूँ। इधर नीचे पानी की क्वांटिटी को देख कर रखें कि इडली का जो सांचा है उसे टच ना हो, नहीं तो इडली फैला फैला हो जाता है पानी पड़ता है तो। देखिए इसको चम्मच की मदद से इस प्रकार से निकाल ली है और सांचा में तेल अच्छे से लगाना है नहीं तो चिपकता है। देखिए मेरे सांचे में थोड़ा भी चिपका नहीं है और इस प्रकार से पूरा फूला फूला सॉफ्ट इडली बन करके रेडी है। देखिए इस प्रकार से आप भी बहुत कम समय में इडली मिक्स से